हेलो हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो 5.2 तो कंप्लीट कर ली है, 5.3 करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 कक्षा 10 की, 5.3 कक्षा 10। पाँच पॉइंट तीन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन जो 5.3 में फॉर्मूला काम में आएगा वो लिख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या काम आएगा? एन पदों के योगफल का, एन पदों के योगफल का, एन पदों के योगफल को हम एस एन से लिखेंगे। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे दो ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा एन पदों के योगफल का। एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, जहां एस एन को हम बोलेंगे एन पदों का योग, एन पदों की संख्या है, जहां एन पदों की संख्या है। ए सभी को पता है ए क्या हो जाएगा? प्रथम पद और डी सार्व अंतर, डी हो जाएगा सार्व अंतर। इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम, और इसी फॉर्मूले के उपयोग से पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन 5.3 का क्या है? भी एक समांतर श्रेणी है जिनके जिनका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट है 1, 3, 5, 7, इसके 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है, 12 पदों तक। इसी में दूसरा पार्ट है 8, 3, -2, इसका योगफल ज्ञात करना है हमें 22 पदों तक। इसी में तीसरा पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों तक, इसका योगफल ज्ञात करना है 11 पदों तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है इसमें ए का मान कितना है भी? तो लिखेंगे यहाँ ए, ए का मान 1, डी का मान, डी कैसे निकालते भी? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर, तो डी हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 यानी दूसरा पद 3 है, पहला पद 1, तो 3 - 1 हो जाएगा 2। और 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो एन का मान दिया है 12, एन का मान कितना दिया है 12, तो लिख देंगे इसलिए S12, S12 का मतलब 12 पदों का योगफल। बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे यहां से, तो एन बटे दो, एन का मान कितना 12 बटे में 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2 गुणा a, a का मान कितना है भी 1, प्लस एन माइनस 1 यानी 12 - 1 गुणा में d कितना आया 2। इसको सोल्व करेंगे तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, ब्रैकेट में क्या बचा 2, प्लस 12 - 1 हो गया 11 गुणा में 2, 11 को पहले 2 से गुणा कीजिए कितना आएगा 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, तो क्या लिखेंगे 6 गुणा 24 यानी 24 छक्का हो जाएगा 144, तो आंसर आ जाएगा इसका 144। पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, इसके 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 144। इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है भी 8, 3 - 2, इसके 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 22 पदों का तक योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी मिटो दीजिए, ये भी मिटो दीजिए। पहले का दूसरा क्वेश्चन है 5, 2 - 1, इस प्रकार है ना, 5, 2 नहीं भी, क्वेश्चन है दूसरा 8, 3 - 2 के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे हमें
सॉल्यूशन और यहाँ दिया है वो चीज़ लिखिए पहले। तो यहाँ ए है वो क्या है, आठ। ए होता है प्रथम पद जो कितना है आठ। फिर डी, डी होता है सार्वंतर, सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीन में से आठ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का पाँच। फिर एन दिया है 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 22। तो लिखेंगे इसलिए S 22 बराबर n/2, यानी ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, n/2 यानी 22/2 गुणा 2a। a का मान कितना है 8 प्लस n-1 यानी 22-1 गुणा में d यानी माइनस का 5। तो 22/2 हो जाएगा 11 गुणा में क्या बचा 8 × 16 प्लस 22-1 हो जाएगा 21 गुणा में -5। इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 11 गुणा 16 प्लस 21 को -5 से गुणा करेंगे, माइनस का 105 आएगा, वो इस प्लस को माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 105। माइनस का 105 और प्लस का 16 मिलकर हो जाएगा, देखिए 16 प्लस का है माइनस का 105 आएगा क्या, भी माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा, और 105 में से 16 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 89 यानी 89 बन जाएगा। तो 89 को 11 से गुणा करेंगे आएगा उत्तर -11, 9 को 9 से गुणा किया 99, 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा 97, यानी उत्तर आ जाएगा 979। यानी इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग फला जाएगा -979। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वो भी कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ जो दिया है, यानी यहाँ लिखेंगे ए, ए है 1/15। फिर डी, डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी 1/12 माइनस में 1/15। 1/12 और 1/15, 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे तो पहले आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 12 और 15 का लघुत्तम है। अगर आपको नहीं लेना आता है तो क्या करोगे, दोनों का नीचे गुणा कर दो, यानी 12 गुणा 15 हो जाएगा 180। फिर यहाँ से वज्र गुणा कर दो, 15 का 1 से, 12 का इसे 1 से, तो क्या लिखेंगे 15-12, यानी कितना बचा, ऊपर 3 बचा नीचे 180, 3 से 180 कटेगा कितना आ जाएगा 1/60। तो D का मान आ गया 1/60। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में भी D कैसे निकालोगे, लघुत्तम लेना पड़ेगा, 1/60 आ जाएगा और पदों की संख्या N दी है में 11। तो लिखेंगे इसलिए 11 पदों का योग, इसलिए 11 पदों का योगफल यानी S 11 है वो आ जाएगा, इस फॉर्मूले में N की जगह 11 लिख दीजिए, लिखिए 11/2। फिर 2 गुणा A, A का मान कितना है, A का मान है 1/15 प्लस n-1 हो जाएगा 11-1 गुणा में D कितना है 1/60। इसको लिखिए 11/2 और गुणा में 2, 1 के गुणा में तो 2/15 प्लस ये बचा 10, 10 की 10 से 10 कट जाएगी, क्या बचेगा 1/6। फिर वापस 15 और 6 का लघुत्तम लीजिए तो क्या आएगा 11/2 गुणा 15 छिके लघुत्तम, वैसे ही लेना है अभी गुणा करके लघुत्तम लिया 90। फिर इसका वज्र गुणा करेंगे 2 का 6 के साथ, 15 का 1 के साथ, यानी 6 × 2 = 12, 15 × 1 = 15। आगे इसको देखिए 11/2 गुणा में आ गया 15 × 12 = 27/90, ये 9 से कटेगा, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 90, यानी आ गया 11 × 3, ऊपर आया 11 × 3/2 = 2 × 10, 11 को 3 से गुणा किया 33/2 = 2 × 20, यानी समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का योगफल हो जाएगा 33/20, 33/20। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3, 11, 19 और लास्ट पद दिया है इसका 803। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी है तो इनका योगफल ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे,
पहले ये पिछले से अलग है, इसमें ए एन वाला फॉर्मूला भी यूज होगा क्योंकि हमें अंतिम पद दिया है 803। उसके आधार पर हमें इसमें इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर पदों की संख्या आएगी तो उतने पदों का योगफल ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 3, डी बराबर डी दूसरे पद में से 11वां पद, 11 में से 3 घटेगा, दूसरे में से पहला घटेगा, तो 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, और ये 830 है। किसका मान है? 803 ए एन का। तो ए एन बराबर है 803। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी बराबर 803। यहाँ से ए व डी के मान रखेंगे, ए का मान है 3 प्लस एन माइनस एक गुणा में डी का मान है 8 बराबर 803। 3 803 की तरफ जाएगा, ये प्लस में है, माइनस का चला जाएगा, क्या बचेगा? एन माइनस एक गुणा में 8 बराबर 803 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 800। ये 3 इस तरफ चला गया माइनस का, फिर 8 इस तरफ गुणा में इस तरफ भाग में चला जाएगा तो 800 बटे 8 आ जाएगा 100, यानी n माइनस एक बराबर आ गया 100। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा 100 में उधर जाके, यानी 101। n आ गया 101, यानी इस समांतर श्रेणी में 101 पद है। कितने पद है? 101। हमें उन 101 पदों का योग पहले ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः 101 पदों का योगफल। योगफल का सूत्र एस एन बराबर एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। इस फॉर्मूले में ए एन और डी की वैल्यू रखेंगे तो एस एन यानी एन का मान कितना? 101 बराबर 101 बटे दो गुणा में आएगा दो ए, ए का मतलब है 3 प्लस एन माइनस एक, यानी 101 माइनस एक कितना हो जाएगा? 100 लिख दो डायरेक्ट, गुणा में डी कितना है? 8। 101 बटे 2 गुणा में 2 तिया 6 प्लस 100 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा? 800 ये आ जाएगा। 100 को 8 से गुणा करोगे तो पूरा 800। 800 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 806। तो लिखेंगे 101 बटे 2 गुणा में 806, इन इस 2 से 806 कटेगा, 403 आएगा। 403 को 101 से गुणा कर देना है, 403 को 101 से गुणा करो कितना आएगा? 403 गुणा में 101, 101 दिया 303, असल पाई असल कितनी? 30, फिर 0 फिर 3 यानी 101 चौक है, 101 को 4 से गुणा करोगे 404 आएगा, 404 और 3 हो जाएगा 407। 407 तो आंसर कितना आ जाएगा अभी? 40703। देखिए भी चेक कर लेना, यही आ रहा है क्या? इसका गुणा 403, 806 का आधा गया 403, उसको 101 से गुणा करने है, 40703 आना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी का, जिसमें ए है 7 और डी है 10 सही 1 बटे 2 माइनस में 7, यानी कितना हो जाएगा? 3 सही 1 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 7 बटे 2। तो डी का मान आ गया इसमें 7 बटे 2, और 84 है वो किसका मान है? ए एन का। तो ए एन है वो कितना है? 84। ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर है 84। अब ए और एन डी के मान लिखेंगे तो एन का मान आएगा, ए का मान है 7, तो 7 प्लस एन माइनस एक गुणा में डी कितना है भी? 7 बटे 2 बराबर कितना है? 84। तो यहाँ से एन माइनस एक बचा लेंगे, बाकी साइड में ले जाएंगे तो पहले जाएगा 7 प्लस का है किस में जाएगा? माइनस में, यानी 84 माइनस 7 और बटे में क्या जाएगा? 7 गुणा में वो भाग में जाएगा और 2 भाग में वो गुणा में जाएगा, तो 84 माइनस 7 हो जाएगा 77 गुणा में 2 और बटे में आ जाएगा 7। 7 से 77 कटेगा 11 बार, 11 को 2 से गुणा करोगे आएगा 22, यानी n माइनस 1 बराबर 22 आ गया, तो n का मान आ जाएगा 23। यानी इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में कितने पद है? 23 पद है, उन 23 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः 23 पदों का
योगफल। S23 का फॉर्मूला n की जगह यहां पे लिख लीजिए, लिखना है 23, तो 23/2 × 2a, a का मान कितना है, a का मान 7 प्लस n माइनस 1 यानी 23 - 1 कितना हो जाएगा 22, और गुणा में d कितना है अभी 7/2, इस 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, क्या बचेगा 23/2 × 7 = 14 प्लस 11 को 7 से गुणा किया 77, तो क्या आ जाएगा यहां से देखिए 23/2 × 14 और 77 मिलकर हो जाएगा, 14 और 77 मिलकर हो जाएगा 91। जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, देखिए पहले 91 को 23 से गुणा करना है और 2 का भाग देना है, तो 91 × 23, 23 3 1 3, असल नहीं 3 को 9 से गुणा किया 27, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2 को 9 से गुणा किया 18, यानी ये आएगा 3 9 0 और 2, 2093। तो 2093 पर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1046, सही 1/2। तो इस समांतर श्रेणी में 23 पद है और 23 पदों का योग फलाएगा 1046/2। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।